अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल टूरिंग विद वलीद फ्रॉम रावला कोट आज़ाद कश्मीर। आज सुबह सुबह मैं टोली पीर से नीचे आया हूँ। रात बड़ी ठंड थी इंतहा की और वहाँ के मौसम का नहीं पता लगता, और सुबह अभी बादल इतने गहरे और बारिश शुरू हो गई, तो मैंने कहा अब नीचे चलते हैं। कैमरा हर चीज़ पैक की और नीचे आ गया। अभी रावला कोट में रुका था ब्रेकफास्ट के लिए, तो ब्रेकफास्ट तो कोई अच्छा मिला नहीं। तो अब यहाँ से आज हमारा रूट ये है कि हम जाएँगे गंगा चोटी बाग में, और रास्ते का नहीं पता, आई होप अच्छा ही हो। चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, रास्ते का फिर मैं आपको बताता हूँ। ये मैं अब रावला कोट से मैं निकला हूँ, सुबह के कोई 9 बज गए हैं। तो अभी मैंने ना यहाँ पूछा था किसी से रास्ता वगैरह, यहाँ दो रास्ते आ रहे थे। एक तो रास्ता है वो जो इस्लाम मुजफ़राबाद से बाग की तरफ आ रहा है, एक वो रोड, और एक ये उस रोड पर जाके ये रोड सीधा रावला कोट अगर मैं जाता हूँ तो जाके मिल जाऊँगा, तो वो का लंबा पड़ता है। एक यहाँ मुझे अभी किसी ने बताया शॉर्टकट, तो मैं उसी पे ही डाल रहा है। ये छोटा रास्ता है, लेकिन ये है कि वो कह रहा था कि ये अच्छा रास्ता है, थोड़ा सा ख़राब है बाकी अच्छा है, तो वही मैंने कहा इस पे चले चलते हैं, अपना 10 से 15 किलोमीटर बच जाएगा। तो मैं अभी इस पे जा रहा हूँ। इस रास्ते पे आने का एक फ़ायदा हुआ है, मेन रोड की नस्बत है ये ज़रा ग्रीनरी ज़्यादा है, सीनिक ज़्यादा है, और कर्वी भी है तो ज़रा मज़ा भी आ रहा है, लेकिन इसके कर्व बड़े अच्छे। इस तरह का एक पैरेलल रोड जा रहे हैं, मैं इधर से आता हूँ फिर उसी तरह घूम के नीचे से उस तरफ को फिर उस तरफ को, मतलब हमने पहले नीचे तक जाना है। और जिससे मैंने पूछा था उसने यही बताया था कि जहाँ तक ये नाला है ना, नीचे एक वो आएगा मतलब दरिया छोटा नाला, वहाँ तक ही रोड ख़राब है हल्का फुल्का, बाकी आगे रोड बहुत शानदार है। तो अभी मेरा ख्याल हम कोई 3-4 किलोमीटर में आ गया हूँ, तो नीचे चलते हैं उतरते हैं, रोड तो मुझे अच्छा लग रहा है। इस रोड पे कभी मैं ऊपर जाता हूँ कभी बिल्कुल नीचे, और टर्न्स हैं लेकिन इतने अब कम हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा थे। ये देखे ख़त्म हो गया, और बड़ा अच्छा, इतना हल्का फुल्का तो इस तरह के हर जगह ही होते हैं, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा बना हुआ था, और मेरा 15 किलोमीटर रास्ता बच गया। ये एरिया जहाँ से मैं गुजर के आया हूँ ना रावला कोट से, इस तरह यहाँ से जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, क्या नाम था उनका, सरदार तनवीर इलियास, हाँ जी सर तनवीर इलियास, वो इधर से हैं इस एरिए से, ये उनका एरिया है। बड़ा अच्छा था, शॉर्टकट भी हो गया और एक नया रास्ता भी देख लिया, और ये ब्रिज क्रॉस करके अब हम मेन है वो जो बाग से जो पीछे से आ रही है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से अगर हमें ये ना होता तो हमें वहाँ से आना पड़ना था। ये देखें ये आ रही है आजरा से, अब हमने इधर जाना है बाग 8 किलोमीटर। बड़ा ही मज़ेदार है, एक तो ट्रैफिक नहीं थी ना तो और ज़्यादा मज़ा आया चलाने का। अच्छा इस एरिया में एनसीपी अलाउ है, लेकिन मैंने बहुत कम एनसीपी देखी है, लोग ज़्यादा डीजल गाड़ी है टूटी वगैरह लेके फिरते रहते हैं।
ये शायद ही यहाँ के लोग ज़्यादा इस्लामाबाद जाते इस वजह से, क्योंकि वो गिलगत वाली साइड में तो आपको मिलते सारे NCP पराडोज वगैरह है ना, क्रूज़र पराडो। यहाँ नहीं उस तरह नज़र आते, यहाँ ये वाली बहुत है। यहाँ तो डीजल, वो जो मैं परसों जिस दोस्त के पास रुका था ना डडियाल में, वो तो कहते डीजल का यहाँ नाम ले दो गाड़ी के साथ ही, वो कहते यार बताओ कहाँ है चलो आओ देखने चलते हैं। इतना यार डीजल की गाड़ी की मार्केट है, और बड़ी साफ कार है भाई जिसकी भी है। वेलकम टू बाग सिटी। क्रॉस करके डबल ब्रिज बनाया हुआ है, लेकिन छोटे छोटे हैं, एक ही बड़ा बना लें। हमने जी जाना है इस तरफ को, यहाँ हाई ऑक्टेन नहीं मिलता। मैं ढूंढ ढूंढ के ना, अब मैंने सादा भरवाया, लेकिन मेरे पास ऑक्टेन बूस्टर तो है ना, मीरपुर तक मुझे मिला था। मैंने इसलिए यहाँ से भरवा लिया कि शहरों में ज़रा अच्छा मिलता है बाहर से भरवाने की बजाय। फिर मैं आकर शायद गंगा चोटी से आगे जाना है, तो आगे जहाँ जाना है वहाँ 4 घंटे की ट्रैवलिंग है, तो वहाँ शायद इतने अच्छे हाईवे पे ना मिले मुझे पेट्रोल, इतना अच्छा ना मिले, मैंने इसलिए बाघ से भरवा लिया। ये देखे ये शहर है, यहाँ कुछ खा ले यार, मैंने नाश्ता छोड़ दिया था, भूख लगी हुई है। ये या उस तरह से एंट्रेंस है या इस तरह करके कुछ है। हम जा रहे हैं शहर से बाहर, लेकिन हम पहले ना कुछ खा लें, भूख मुझे काफ़ी लगी है, तो फिर निकलते हैं। यहाँ से चलते हैं वापस, मस्जिद भी मिल गई है, जुमा पढ़ लेंगे इधर, और आगे यहाँ खाने की जगह है, तो पहले खाना भी ये है जगह खाने की, या खाना भी खा लेते हैं कोई हल्का फुल्का। जी हमने जुमा पढ़ लिया है और अब यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई ज़ियाफ़त होटल वाला है, उसने बुलाया है, ज़रा पूछें। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक? वो भाई बता रहे बड़ी ज़बरदस्ती चाय बुलाई है। नहीं यार बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं नहीं इजाज़त दें हमें, चलें ओके अली भाई, अल्लाह हाफिज़। बड़े ही अच्छे भाई थे, जाके प्योर दूध से चाय बनवा के दी, कहते यार आपको तो
अच्छा हुआ मैं ये अली भाई के पास रुक गया, इन्होंने मुझे बताया दो रास्ते हैं। दूसरे वाला रास्ता दूसरी तरफ से गंगा चोटी भी जाता है, लेकिन वहाँ से वापस फिर मुझे यहीं आना पड़ना था और इधर से आगे निकलना पड़ना था। ये सूदन गली वाली साइड से जो रास्ता है ना, वो वहीं वापस थोड़ा सा आगे जाके गंगा चोटी है, फिर वापस आके मैं आगे निकल जाऊँगा सलसल लेक की तरफ। गंगा चोटी में बादल शादल लग रहे हैं, अच्छा हो अगर हो तो। अब यहाँ से निकलते हैं बाग से, इतना कोई बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर है। गलत आ गए, वापस जाते हैं। ये रोड तो बहुत अच्छा है, लेकिन जगह जगह स्पीड ब्रेकर इन्होंने नीचे बनाए हुए हैं, मिनट बाद स्पीड ब्रेकर आ जाता है। अच्छा यहाँ फासले कम है, लेकिन कर्वी रास्ते बहुत ज्यादा है। तो इस तरह मैप पे देख रहा हूँ, इस तरह रास्ता है, पैरेलल रोड है, ऊपर नीचे इस तरह लंबे। ये रास्ते में भी एक जगह जहाँ मैं रावलाकोट से फौरी उतरा था ना इधर के लिए, वहाँ भी इसी तरह के थे, और यहाँ फिर उस तरह के ही आ गए हैं। अब जरा व्यू खुले हैं, नीचे मैं नीचे था ना, जरा ऊपर आया तो थोड़ा बेहतर हुआ है, जरा वैली नजर आने लगी है। यहाँ देख रहे होंगे ये इस तरह, यहाँ धूप तो है, लेकिन अगर खड़े हो ना, अभी पीछे की निस्बत यहाँ काफ़ी मौसम अच्छा, धूप में भी उतनी गर्मी नहीं लगती, गर्मी है लेकिन बर्दाश्त हो जाती है, और अगर चलते रहे ना तो ठंडी हवा है, ऊपर कहीं बादल हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही ख़राब है पैच के। आई होप कि थोड़ा सा ही खराब हो, ज्यादा ना हो, मेरे का वो उधर तक है, आगे रोड नजर आ रहा है। ये तो कुछ ज्यादा ही है, ये
चलो जी जान छोटी। आ गए ना वो, बस यही हो दुआ तो यही है। चलो यहाँ भी टूटा हुआ, यहाँ खैर हो पता नहीं क्यों टूटा, यहाँ ना कोई बाबशार है ना कुछ और, ना लैंडस्लाइड है यार, रिपेयर कर रहे होंगे, वो ऊपर भी टूटा हुआ है, फिर अल्लाह करम करे। सीमेंट वाला रोड खत्म हुआ, अपडेट वो मतलब उसने कहीं देर कर दी और मैं आगे मुजफ्फराबाद वाले रोड पे आ गया, लेकिन आया अभी एक मिनट भी नहीं हूँ, 200-300 मीटर ही आया था। वहाँ चौक से ऊपर जाना है सूदन गली से, वहाँ से ये भी लोकल मिला था, वो कह रहा था आपको 15 मिनट लगेंगे हाँ इस चौक में से। अस्सलाम वालेकुम, गंगा चोटी को ये रास्ता है, गंगा चोटी पे ना बादल हुए हुए हैं, अच्छा है धूप नहीं होगी तो ड्रोन शॉट्स अच्छे आएंगे, लेकिन वह बारिश ना हो। बड़ी हाइट है यार, एकदम जिस तरह टोली पीर थी ना उसी तरह ही, बड़ी हाइट पे जाके देखे ना, अब पता नहीं कैमरे में सही तरह आ रहा है, लेकिन हाँ ये गोप्रो में नहीं आता सही तरह, हाइट नहीं बताता। आज अपनी किस्मत ही नहीं सही, मैं सुबह से जब टोली पीर पे था तब वहाँ बारिश होने लग गई, तो मैं सुबह सुबह उठ के भी नीचे आना पड़ा। अब मैं यहाँ आया हूँ गंगा चोटी पे, अभी मैं सूदन गली से ऊपर की तरफ मुड़ा ही हूँ, और इतनी को कड़ाकेदार बारिश एकदम शुरू हुई ना, मैंने रोका, सारा सामान पैक किया और ना सारा इक्विपमेंट अंदर रखा, क्योंकि एक हद से ज़्यादा हो तो गोप्रो भी पानी फिर चले जाता, तो मैंने वो भी पैक किया अंदर रखा। अब मैं यहाँ आया हूँ गंगा चोटी और यहाँ धूप निकल आई है, कोई पता नहीं लगता मौसम का, तो ऊपर चलते हैं अभी गंगा चोटी पर, ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ सारा। यहाँ कोई मेरा ख्याल 1 घंटे की हमें आए, नहीं आधा आधा घंटा 45 मिनट की हाइक है, वो जितना मर्जी आप चले जाएँ, तो हम मेन जो ऊपर सबसे इसका पीक पॉइंट है वहाँ चलते हैं।